का फोन आ गया है। सुबह खान साहब, होए होए। जी सलाम अलैकुम खान साहब। जी जी मुझे पता है, मैंने आपके 4 लाख रुपया देना है, हर महीने 40,000 रुपया मैंने आपको देना है, लेकिन खान साहब अभी महीना नहीं हुआ, महीना तो हो लेने दें। हाँ मुझे याद है, वैसे आपको फिक्र की क्या जरूरत है, अब 4 लाख से कहीं ज्यादा का जेवर आपके पास गिरवी पड़ा हुआ है मेरा। हाँ, जी मैं भेज दूंगा जी, पमा खा दखा, खुदा पैमान दे। कर्जा लेके मुझे किस मुसीबत में डाल दिया बबलू के बच्चे ने। क्या क्या हाल है अमर भाई, मारू तेरे मुंह पे ना, मेरा बेड़ा गरक करके अब मेरा हाल पूछ रहा है। क्या हाल है अमर भाई, क्यों मैंने क्या किया यार? बहुत अच्छे, अभी तुमने कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ 4 लाख का मकरूज किया, मेरा सारा जेवर गिरवी रखवाया हुआ है, ऊपर से पूछो क्यों मैंने क्या किया। मेरी बात कान खोल के सुन ले, आज शाम तक ये घर खाली कर दो। क्यों, आपने डिस्टेंपर कराना है? ओए डिस्टेंपर के बच्चे, शाम से पहले पहले अपनी मनोज शक्ल लेके ना इस घर से दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ऐसे ही चला जाऊं यूं करके? मेरी आपा का भी घर है, मैं नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो तेरे बड़े भी, सीधी तरह चला जा वरना मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा। ऐसे ही धक्के मारेंगे? इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया, मुझे नजर आ गया यूं करके। हल्ला ना करे, तुम्हारा दाना पानी यहाँ से उठे, ये तुम्हारा घर है, और वैसे भी तुम तो मेरे लाडले भाई हो। वो तो ठीक है, लेकिन अब इस घर में मुझे ताने मिलने शुरू हो गए, अब ये घर मेरा नहीं रहा। ताने? किसकी हिम्मत है तुम्हें मेरे होते हुए ताने दे? लो जी, यहाँ लोग मुझे मारने पे तुले हुए, आप तानों की बात कर रही हैं। तुम नाम बताओ मुझे, कौन तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, मैं उसका हशर कर दूंगी। आमिर भाई। क्या आमिर भाई, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो कहते हैं तुमने मेरा लाखों का नुकसान किया है। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी 4 लाख अरेंज करो और मुझे मेरा जेवर ला के दो बस। ला दूंगा, थोड़ा सा हौसला करो, वैसे भी ना एक बीवी का जेवर तो उसका खामंद होता है। मुझे नहीं चाहिए ये जंगलुदा जेवर, मुझे मेरा असली वाला जेवर चाहिए, मैंने कह दिया। अपने खामंद की बेइज्जती कर रही हो, दोजख में जाओगे सीधी। जी नहीं, मैं पक्की जन्नती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ रहकर मैंने दोजख देख ही लिए। हाँ। वो कहते हैं शाम से पहले पहले इस घर से दफा हो जाओ यूं करके। ये तुमसे आमिर भाई ने कहा? और सिर्फ ये ही नहीं कहा, वो कह रहे थे कि शाम से पहले दफा ना हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उफ मेरे खुदाया, उस आमिर ने इतना कुछ कह दिया। आमिर भाई कहते हुए मेरी जुबान नहीं थकती, और वो मेरे भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नो वे। लो जी, अब भड़ा होई हो यूं करके। दिल करता है एक, क्या क्या बोलो, 1, 2, 3, 4 दफा प्यार से कहूंगा, मान जाओगी? हाँ। मैं भी देखूं जरा ना कि मेरे भाई को इस घर से कौन निकालता है। क्यों आमिर? है सिर्फ आमिर, ना आगे भाई ना पीछे भाई। सवेरा, ये तुम आमिर से किस लहजे में बात कर रही हो? मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगी, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से बात करूंगी। क्यों, यहाँ पे क्या लुट मची हुई है? वैसे भी इस लहजे में आमिर से सिर्फ मैं ही बात कर सकती हूँ, समझी तुम? और ये जो मेरे भाई को बार बार पे धमकियां देता फिर रहा है कि घर से निकाल दूंगा, जान से मार दूंगा, वो ठीक है? क्यों आमिर, तुमने इस यबलू, मेरा मतलब है इस बबलू को जान से मारने की धमकियां दी है? यस दी है, और मैं अपनी बात पे डटा हुआ हूँ। सुन लिया, अब मेरी भी बात कान खोल के सुन लो, मैं भी देखती हूँ कि मेरे भाई को यहाँ से कौन निकालता है, और अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगी। और वैसे भी हमारे अंकल SP हैं। हाँ जी, यूं करके समझा लो अपने शौहर को, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, दोबारा तो इसे आकर यहाँ पुलिस ही समझाएगी। चलो बबलू। बाजी तो भूल गई, मैं क्या देता हूँ। सुन लिया तुमने, क्या जरूरत थी उस पागल गज्जे को धमकियां देने की, अब यहाँ पुलिस आ जाएगी। और कुछ नहीं होता, पुलिस आ जाएगी, मैं क्या पुलिस से डरता हूँ,
लेकिन मैं इसे एक मिनट नहीं टिकने दूंगा। इतना नुकसान कराया, 4 लाख का मुझे मकरूज करके चला गया, सारा जेवर गिरवी रखवा दिया इसने। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा जेवर चाहिए, मुझे मेरा जेवर ला के दो। अच्छा ला दूंगा, ला दूंगा, जल्दी लाओ। यक ना शुद्ध, तीन शुद्ध, जबलू गई का। आमिर, ये तुम क्या आधी रात को उठ के हवा में जायचे बना रहे हो? कुछ नहीं, बस एक प्लान बना रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लान? कैसा प्लान? यही बबलू के बच्चे को इस घर से बाहर निकालूंगा, नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। फिर वही फजूल बात, छोड़ दो उस बबलू का पीछा। तुमने देखा नहीं, वो पुलिस को बुला लेगी सवेरा, फिर बैठे रहना जेल में। ओहो, उसी का ही तो हाल सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। तुमने खामखा बबलू को अपनी जिद ही बना लिया है। फायदा, तुम्हें पता है मेरी जिद का, जब मैं कोई जिद कर लेता हूं ना, फिर उसे पूरी मैं जरूर करता हूं। इस बबलू के बच्चे को तुम्हें यहां टिकने नहीं दूंगा, घर से निकाल के छोड़ूंगा, तभी सुख चैन की बांसुरी बजेगी मेरे कानों में। अमर, ये आवाज कैसी है? कैसी आवाज हो सकती है? उठ गया होगा वो सांड का बच्चा, घुस गया होगा किचन में और जाके अनाज खत्म करना शुरू कर देगा। आज उसे तो मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी चीज को। आमिर, क्या कर रहे हो? चुप चुप, बीच में मत बोलो। देखो, उससे ज्यादा बदतमीजी ना करना। मैं देख लूंगा, तुम चुप करो, बीच में मत बोलो। ओहो, क्या हो गया? हथियार की तरह। क्या कर रहे हो? आमिर, चुप। ओहो, आमिर बिना।
क्या हुआ? चुप करो, अभी बताता हूं। आमिर भाई, और जाके अपने बिस्तर में सोए, ये क्या तरीका है यूं करके? आमिर भाई, ये कौन है? और ये आमिर भाई तो नहीं है। शुक्र है, ये तो लाश है, मैं भी डर गया था। लाश? बाजी लाश, बाजी लाश। समझो कि अब बबलू गया के गया, वो मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। चलो सो जाओ, सो जाओ। मैं क्या किया? इसको क्यों मारा? मैंने तो नहीं मारा बाजी, आप तो मुझे ऐसे कातिल बना रही है। कसम से मैंने दरवाजा खोला, ये गड़म करके मेरे ऊपर गिरा, यूं करके। ये आया कहां से? यहां से। मेरा मतलब है कैसे आया? मुझे क्या पता बाजी, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरा कसम से दिल बैठ रहा है। अच्छा अच्छा, तुम चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। आइडिया? वो क्या बाजी? तो मेरे साथ चला के अब ये दोनों बहन भाई मुझे फंसाना चाहते हैं। अब मैं वो करूंगा कि ये बच नहीं सकेंगे। तो तुम्हें अब जगह रॉन्ग नहीं होता? मचाए रखते हो हर वक्त यार। तुमने बदल मार दिया, लाश तुमने कतल किया। फाजा जल्दी आओ, पुलिस को बुलाओ। लाश, ओ माय गॉड। नहीं नहीं, मैंने इसको नहीं मारा, ये तो पहले से मरा हुआ मिला है हमें। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने अभी से कतल किया। फायजा, इस गंजे में इस बेगुनाह को मार डाला, अल्लाह मार डाला, इसने मार डाला। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरे भाई ने किसी को नहीं मारा। ये बातें पुलिस को बताना,
अभी हम पुलिस को बुलाएंगे, हमें धमकियां दे रहे थे ना पुलिस की, अब तुम तैयारी करो। आओ भाई साहब। आमिर भाई, भाई साहब। कैसा रहा प्लान? अब ये गंजा यहाँ नहीं रुकेगा। वेरी गुड आमिर, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मान गई मैं तुम्हें। शुक्र है तुम भी मुझे मानी हो, वरना तुम तो मुझे अहम ही समझती हो। हाँ हाँ मान लिया ना मैंने। अच्छा जरा सुनो ये कान लगा के वो लोग क्या कर रहे हैं। चलो चलो, चलो। अब क्या करें, वो लोग तो पुलिस को बुला लेंगे। बाजी हमें डरने की क्या जरूरत है, हमारे अंकल तो पुलिस में है ना। ओहो, वो तो मैंने पे रोक झाड़ने के लिए ऐसे ही झूठ बोला था। बाजी पुलिस आ गई, उन्होंने तो मेरी टेंड कर देनी है। पहले बड़ी तुम्हारी आंखों में बाल जा रही है, जल्दी से सोचो इसका क्या करना है। और तुम ही बताओ क्या करना है। तुम एक नंबर के निकम्मे और फजूल इंसान हो, इतना सा काम तुमसे नहीं हुआ, बैठे बिठाए हम मुसीबत में पड़ गए, अब क्या करें। बाजी कुछ करे, अगर पुलिस आ गई ना तो शायद अफरीदी की तरह मेरी धुलाई कर दी है। वो आजकल धुलाई नहीं करता। अच्छा मुझे कुछ सोचने दो। बाजी सोचना बाद में, पहले मुझे निकाले यूं करके। मेरी मानो तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को पता ना चले, आमिर और फायसा को तो मैं संभाल ही लूंगी। ठीक है मैं निकल जाता हूँ यूं करके, सामान तो उठा लूंगा। जाओ जाओ निकलो। आमिर भाई, आमिर भाई इधर। ओहो आज आमिर भाई, ये खाली आमिर किधर गया आज। आई एम सो सॉरी आमिर भाई, मुझसे गलती हो गई, कल रात को जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं, मेरा भाई बेकसूर है प्लीज। हाँ आमिर सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही है, देखो पुलिस आएगी बात खामखा लंबी हो जाएगी, इसे यही खत्म कर दो। अच्छा तुम कहती हो तो चलो, माफ किया। थैंक यू सो मच आमिर भाई। वेलकम। चलो सब ठीक हो गया। अच्छा फायदा जल्दी से नाश्ता तैयार करो यार, भूख लगी हुई है। भाई देखो हमने सवेरा की कितनी हेल्प की है, तो सवेरा आज हमारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाएगी। हाँ। क्यों सवेरा? क्यों? अब क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों? शाबाश शाबाश, जल्दी से। फायजा ये तस्वीर देखी देखी सी नहीं लग रही। पता नहीं, याद नहीं। क्या? ये तो वो रात वाली लाश की तस्वीर है। खतरनाक डाकू जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले को 10,00,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। फायजा फायजा लाश की तरह लाश। लाश कहाँ है लाश? सवेरा 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 मामी वो लाश की तरह है। अब मुझे क्या पता लाश कहाँ है? तो वो बबलू की तरह है। बबलू? उसको तो मैंने घर भेज दिया। ओहो हाँ, हो सकता है कि बबलू लाश को साथ में ले गया हो। बबलू को फोन करो भाभी, जल्दी फोन करो। लेकिन हुआ क्या है? बताता हूँ बताता हूँ, बबलू को फोन करो। बबलू बबलू मेरा मुर्शिद, मेरा मुर्शिद, मेरा बबलू, मेरा बबलू, बबलू बबलू लाश की तरह। कौन सी लाश? वो जो रात मैंने तुम्हारे दरवाजे पे यूं करके खड़ी की थी। अच्छा तो आप बबलू को फंसा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं फंसाना नहीं चाह रहा, वो पहले की बात है, अब तो मैं इसे आजाद करना चाह रहा हूँ। मुझे मेरी लाश दो, किधर है लाश? वो आपने मुझे ना आमिर भाई पुलिस का कहा था ना, मैं डर गया था, मैंने ना दरिया में ना सवेरे सवेरे लाश फेंक दी। रावी में? चलो चल के लेके आते हैं। वो तो अब कराची भी टक गई होगी यूं करके। मेरे 10,00,000 भी चले गए यूं करके। यारो मुस्कुरा के हाँ, सारे गम भुला के। यारो मुस्कुरा के हाँ, सारे गम भुला के। जीना है तो